आर्टिकल 35 से हटा दिया गया है और आर्टिकल 370 को केंद्र सरकार के एक अहम फैसले ने रिडंडेंट कर दिया है। साथ ही साथ अक्टूबर 31 के बाद जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी होगी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी होगी। केंद्र सरकार के इन्हीं अहम फैसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन पर। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे समझना चाहूंगी कि जब ये बड़ा फैसला आया कि 35 से भी हट गया, 370 भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो आपका वो जो इनिशियल रिएक्शन क्या था इस फैसले को लेकर? देखिए, 70 साल तकरीबन हो गए थे जब से भारतवर्ष का राष्ट्रवादी समाज तीन तीन पीढ़ियाँ बीत चुकी थी, इस मोमेंट की वेट कर रहा था। और वो क्षण जो कि 70 साल के बाद आए, जिस विषय को लेकर के प्रजा परिषद ने एक बलिदान की परंपरा शुरू की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिमी बंगाल से आकर के यहाँ पर शहीद हुए, उसको लेकर के 70 सालों में जम्मू का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ प्रजा परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी राष्ट्रवादी संगठन का कोई कार्यकर्ता शहीद ना हुआ हो। पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां इस विषय को लेकर के संघर्ष या गोष्ठी ना हुई हो। उस विषय को परिपूर्ण करना, उस विषय को लेकर के सारी शंकाओं का समाधान करना और उस विषय को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना, ये इस प्रेजेंट सेटअप की, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह की इस जोड़ी ने कर दिखाया और इसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं और बहुत ही एक बहुत बड़ी भावुकतापूर्ण खुशी का ये समय था। और सबसे बड़ी बात, एक काला अध्याय जम्मू कश्मीर में चल रहा था जबकि जम्मू कश्मीर की आधी पॉपुलेशन से मेरा कहना का मतलब ये है कि हमारी माताएं बहनें जो कि दर्जे के नागरिक के तौर पर यहाँ पर रह रही थी, सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पर यहाँ पर रह रही थी, जिनको समानता का अधिकार ही नहीं था, जिनके अधिकार शादी के बाद स्वतः ही सीमित हो जाते थे, उनको एक झटके के साथ बराबर की नागरिकता, ये श्रीमान अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने और इस समय के विचारकों ने दी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो 5 नवंबर का दिन है वो पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास, 5 अगस्त का दिन, हाँ पाँच अगस्त का जो दिन है पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, समानता के अधिकार को लेकर के। और उसके साथ कितने कानून ऐसे थे जिससे के डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन जम्मू कश्मीर में नहीं बन रही थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर राज्य सरकार ने पहले इन मसलों को हल कर लिया होता, जैसे वाल्मीकिज हैं उन्हें उनके हक दे दिए होते, वेस्ट पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ पर इतनी देर से उन्हें रोक के रखा गया, वो भी राज्य सरकार ने ही रोका, उन्हें उनकी हक दे दिए होते, और यहाँ पर महिलाएं जो आपने भी कहा उन्हें उनके हक दे दिए होते, तो क्या भारतीय सरकार को ये फैसला लेना ही नहीं पड़ता? देखिए, जो राज्य सरकारें 1947 के बाद से लेके आज तक यहाँ पर रहीं, कुछ बड़ा थोड़ा सा अपवाद बीच में छोड़ दूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, तो वो बड़ा ही उनका रवैया ही पक्षपातपूर्ण था। उसकी वजह ये थी कि वो सरकारें जिन पार्टियों की थी उनके वजूद कश्मीर रीजन के 2-2.5 डिस्ट्रिक्टों से ज़्यादा नहीं है। 5-5, 10-10, 15-15% वोट लेकर के पूरी प्रदेश को चलाना, फिर उसमें करप्शन करना और करप्शन के रिलेटेड कानूनों को इम्प्लीमेंट ना होने देना। लोकतंत्र हमारा कहता है कि समाज के सबसे निचले वर्ग के पास पावर हो, पंचायत के पास पावर हो, पंचायत के बाद ब्लॉक के पास पावर हो, फिर ज़िला के पास पावर हो, पंचायत परिषदें, ब्लॉक काउंसिल, ब्लॉक परिषद, फिर ज़िला परिषदें, उनके पास पावर्स हों ड्राइंग डिसबर्सिंग की और उसके बाद वो आगे खर्चा करें, उसी का ऑडिट हो सीधे से। 73rd, 74th अमेंडमेंट्स जो पंचायती राज के विषय में हैं, जम्मू कश्मीर ऐसा प्रदेश था जहाँ पर इन्होंने कब्ज नहीं होने दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे लगाई नहीं। और बहुत ही आपको हास्यास्पद लगेगा जिस किस ढंग से जम्मू कश्मीर की जनता को ये 2-3 पार्टियाँ जो हैं, जो छोटी छोटी कश्मीर के 2.5 डिस्ट्रिक्टों वाली है, बेवकूफ़ बना रही थी कि जब पंचायत के चुनावों की बात आई, इन्होंने कहा हम बहिष्कार करते हैं। क्यों बहिष्कार करते हैं भाई? क्योंकि इनके परिवारों से किसी ने पंचायतों के पंच सरपंच नहीं बनना था। ध्यान से आप मेरी बात सुनिए,
लेकिन अगर पंचायत के चुनाव हो जाते हैं, पंचायती राज एक्ट के तहत 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत पंचायतों में से वो अपने अधिकार मांगेंगे, खर्च खराबे का तरीकाकार वो समझेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे ब्लॉक परिषदें बनाओ, फिर वो कहेंगे ज़िला परिषदें बनाओ, जिससे कि जो डेवलपमेंट के लिए फ़ंड आता है वो उनके माध्यम से खर्च हो सके। इन्होंने उस वक्त पंचायती चुनावों का बहिष्कार कर दिया और विषय क्या लिया जी, 35A के इम्प्लीमेंट होने की संभावना के खिलाफ हम इसको, हाँ इसलिए हम ये, जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 35A और पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। 35A जब भी हटाना है पार्लियामेंट ने हटाना है, ठीक है, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ने हटाना है। इस करके पंचायती चुनाव तो लोकराज के लिए जरूरी था, लोकराज में इनके परिवारों के सदस्य तो इतने बड़े हो गए हैं, उन्होंने पंचायतों में आना नहीं था, इन्होंने बहिष्कार करवा दिया कि पावर हमारे पास रहेगी। इनको लगा डर करके ये चुनाव ना होंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार वहां केंद्र में थी, उन्होंने वो काम करवाया। उसके बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, इन्होंने खुद खड़े होना था, महबूबा जी ने खुद खड़े होना था, चाहे वो जनता ने नकार दिया, फारूक अब्दुल्ला ने खुद खड़े होना था, 5-7% वोट लेके पार्लियामेंटेरियन बनना था। तब ये बहिष्कार भी भूल गए, तब ये 35A भी भूल गए, क्यों, कि उसमें फंड अपने आप को आने हैं, आप ही समझे। और जब 35A पर बहस करने की बारी आई तो झूठे तौर पर बीमार होकर घर बैठ गए, झूठे तौर पर मुझे अरेस्ट कर लिया है, जबकि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि इनको हमने रोका ही नहीं है, ये तो आना ही नहीं चाहते। तो ये जो इनका छदम रूप है, जो इनका झूठा काम करने का तरीका है, वो आज समाज के सामने आ गया है। और जिस दिन आप देखिए केंद्र की एजेंसियों को थोड़े थोड़े अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं, ये सारे के सारे किस तरह के फाइनेंशियल स्कैम्स में फंसते जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने स्टेट एक्सचेकर का दुरुपयोग किया है, और ये 70 सालों में क्या क्या किया होगा, ये हमारी सोच से भी परे है। जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा प्राइवेट परिवार नहीं होगा जिसने घर पे 50 करोड़ रुपया सिर्फ रेनोवेशन पे लगाया हो। रेनोवेशन मीन पर्दे और सोफे और फर्नीचर, कोई ऐसा नहीं है। ये इनको इतना इतना पैसा चाहिए, इतने घर इन्होंने मेंटेन करने हैं। स्टेट एक्सचेकर का ऐसा दुरुपयोग पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और आगे बाद विकास कहीं नहीं। ये भी समझना पाऊंगी चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया कि ट्रूप्स भेजे गए और किसी को भी नहीं मालूम था कि क्या बड़ा फैसला होने वाला है, और एकदम से 35A भी हट गया, 370 भी रिडंडेंट हो गया, और यूनियन टेरिटरी का जो फैसला था वो भी लिया गया। तो जो तरीका है वो, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी बड़ा काम करना हो, और वो बड़ा काम भी ऐसा जब राक्षसी प्रवृत्ति से किसी चीज़ को बचाना है, किसी को बाहर निकालना है, तो उसके लिए उसको एक फूल प्रूफ योजना की ही ज़रूरत होती है। मैं धन्यवाद देता हूं और अप्रिशिएट करता हूं उस दिल्ली की टीम को जिसने इतनी बड़ी योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन भी किया। वो औरत जो कहती थी कि 35A पे हाथ डालोगे, प्राइम मिनिस्टर को उसने कह दिया, उसको शर्म नहीं आई कि मेरी भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, हाथ डालोगे तो पूरे के पूरे जल जाओगे, उसको ये नहीं शर्म, वो प्रधानमंत्री हैं 130 करोड़ लोगों के जिनके लिए ऐसे लफ्ज़ कहे गए, उसको ये क्या, उसके माँ बाप ने उसको सिखाया होगा, और हमें शर्म आती है कि ऐसी औरत जो है हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। लेकिन जलने की बात बड़ी दूर की बात है, कहीं एक पत्थर भी नहीं चला। इसका मतलब समाज इस विषय के साथ है, समाज केंद्र सरकार की अवधारणा को समझ रहा है, समाज उस प्रजा परिषद की अवधारणा को समझ रहा है जिसमें कहा गया एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, एक देश में एक विधान एक निशान चलेगा, और ये केवल मात्र 3-4 परिवार जो के इसके बेनिफिशरी थे, और मैं नाम लेता हूँ अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और उसके बाद आज़ाद परिवार, ये ही उसके बेनिफिशरी हैं। इनको ही सबका चीफ मिनिस्टर को जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह मकान भी चाहिए, एंटूरेज भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, ये मुख्यमंत्री रहें या ना रहे, इनको कोई ज़रूरत नहीं है पंचायत में कोई सरपंच आए या पंच आए, पंचायतें बने या ना बने, लेकिन इनको खुद चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन बने रहना है, उसके बेनिफिट्स लेने हैं, इसके अलावा इनका प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ उसी के लिए चीख रहे हैं, समाज के लिए चीख नहीं रहे हैं। और उसके बाद जिन लोगों को साथ आगे करके ये पत्थर मरवाते हैं, लोगों के बच्चों को मरवाते हैं, उन सब के बारे में विषय स्पष्ट हो चुका है, उन सब के बच्चे विदेशों में मौज कर रहे हैं,
और पड़ोसियों के बच्चों को उन्होंने मरवाया है, 80,000 से ज़्यादा लोग मरवा दिए, बहुत ही शर्म की बात है और सख्त से सख्त कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। आपने घाटी की बात की तो राजेश जी, आपको लगता है कि अब ये फैसला तो लिया गया है, इस फैसले के बाद कश्मीर घाटी से टेररिज्म खत्म होगा? देखिए, प्रदेश की सरकार में कुछ ऐसे तत्व थे जो कि टेररिज्म को साइलेंटली सपोर्ट करते थे या पनाह देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जबकि केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जा चुका है, पार्लियामेंट और में उसका अनुमोदन हो चुका है, राष्ट्रपति जी के द्वारा मोहर लग चुकी है, बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका पहले प्रदेश में एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, पुलिस को भी उस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे और पुलिस की अब जवाबदेही जो है केंद्र सरकार के प्रति बनेगी। जब वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही बनेगी तो इसका मतलब ये है कि प्रदेश के उन अधिकारियों से उनको दबने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम कर सकेंगे, और जब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, आप देखिएगा जो आतंकवाद प्रस्त ताकते हैं, जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं और ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड लड़ाई है, क्रॉस बॉर्डर से हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी जो है उनको स्नब कर रही है, फिर इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए हमारी फौजें भी स्ट्रांग हैं और यहाँ पर जो ग्राउंड पर ये लोग इसको बढ़ावा देते हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। कल भी एक आपके एक्स एमएलए इंजीनियर रशीद, उसको भी पकड़ा है टेरर फंडिंग में, चीज़ें तो अब स्पष्ट हो रही हैं। पहले अगर प्रदेश सरकार होती जिसने उसको इतना हवा दी, अगर महबूबा मुफ्ती की सरकार होती या फारूक अब्दुल्ला की होती, इन्होंने कभी गिरफ्तार नहीं करना था उसको। तो इस करके टेररिस्ट या उनके सपोर्टर्स सीधे सीधे तौर पर अब कानून की जद में आएंगे और अब और मौका मुझे लगता है केंद्र सरकार इनको नहीं देगी कि दूसरे के बच्चों को मरवाते जाएं, ये पत्थर मारें और उनको ख़राब करें। राजेश जी, बात करते हैं जम्मू की। जम्मू के लोगों ने इस फैसले की बहुत सराहना की है, लेकिन उनका ये भी एक भावना है उनमें कि अगर कश्मीर के गुनाहों की सज़ा हमें क्यों, कि हमें यूनियन टेरिटरी बनाने का क्या मतलब था, हमें तो कम से कम स्टेटहुड दे देते। बहुत मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या नॉलेज की कमी है। इतना बड़ा जो बदलाव आया है, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, केंद्र सरकार के साथ हम सीधे सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, उन दलालों को बीच में से निकाल दिया गया, वो जो दलाल परिवार थे उनको बीच में से निकाल दिया गया और उसके साथ ये कहा गया कि जनता जब स्वयं जागरूक हो जाएगी अपने हकों के प्रति, अपने हितों के प्रति, और एक ईमानदार राजनीतिक लीडरशिप जो है परिपक्व होकर अगले कुछ महीने सालों में जो ही उभरती है, इसको दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से केंद्र सरकार देगी, हमें उन पे एतबार करना चाहिए। और तब तक कानून की व्यवस्था जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। जब मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही, कि प्रदेश के प्रभुत्व में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि असामाजिक तत्वों को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, उनको समर्पित समर्थित थे, तो उनको उस वीड्स को क्लियर करने के लिए केंद्र की इंटरवेंशन की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के तहत ये एक टेम्प्ररी व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था का हम सब स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ एलिमेंट्स जो के समझ लें एक गलत किस्म की विचारधारा से प्रेरित है, जो कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिले हुए हैं, इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली में भी जेएनयू में कहीं पे कोई जलसे जुलूस करते हैं, कोई बाहर से समर्थित हैं, कई आपके पत्रकार भाइयों में भी ऐसी बरादरी है, किसी को सऊदी अरब से फंड आ रहा है, किसी को, और अब वो सारी चीज़ें जो हैं फंड ट्रेल बन रही है, वो लोग इस तरह की चीज़ें करके चीज़ों को एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो जल्दी से लोगों की समझ में आ जाता है, तो उसको एनकैश करने की कोशिश करते हैं। और इससे मैं समझता हूँ आपका भी फ़र्ज़ है कि इस तरह की अफवाहों को दूर करने में, डाउट्स को डिस्पेल करने में आप बहुत बड़े पिलर हैं और आप इसमें साथ दें। हमारा प्रदेश इतना ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाला है इस नए सिस्टम का, ये आपको अगले 6 महीने में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। कुछ और रिजर्वेशंस जो जम्मू के लोगों को है, वो एक तो है सरकारी जॉब्स को लेकर, कि पहले भी जम्मू के साथ काफ़ी सालों तक डिस्क्रिमिनेशन होती रही है कश्मीर की वजह से, ये लोगों का कहना है। तो अब अगर कंपटीशन जो होगा वो इंडिया के लेवल पे होगा, तो उसमें जम्मू का जो शेयर होगा वो कितना ही होगा सरकारी जॉब्स में?
इसका मैं दो हिस्सों में आपको जवाब देता हूं। पहला, जबकि आपके पास दफा 370 और 35 ए भी लागू था, जबकि बाहर का व्यापार और उद्योग चलाने वाले लोग वहाँ यहाँ पर कम आते थे क्योंकि उनको अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मिल सकती थी, और जबकि सारा कुछ ही जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों के हाथ में था, आप एक एनालिसिस कीजिए कि जम्मू और कश्मीर का मतलब मेरा ये है कि उसमें पुंछ भी आ जाता है, राजौरी भी आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा भी आ जाता है, एस्ट्रॉइल किश्तवाड़ भद्रवाह भी आ जाता है, और इवन मेरा लद्दाख भी आ जाता है, यूनाइटेड जम्मू एस्ट्रॉइल जम्मू। उसके कितने बच्चे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई के कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितना हमारा यूथ यहाँ से मिड लेवल की नौकरियां करने के लिए बाहर गया है बड़े थोड़े पैसों में उड़ान स्कीमों के तहत। और अगर हम में इतना ही टैलेंट था, ठीक है, और जबकि हम बाहर से लोगों को यहाँ नहीं आने दे रहे थे, तो ये बच्चों को बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत थी? आप इस बात को समझिए कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे थे। वो इस करके जा रहे थे कि बड़ा उद्योग, बड़े कॉल सेंटर्स, बच्चों के लिए नौकरियों के एवेन्यू क्रिएट करने वाले लोग इस करके यहाँ नहीं आ रहे थे कि यहाँ पे हमारे लोकल कानून उनको सपोर्ट नहीं करते थे। जब भारतवर्ष में एक जैसा कानून लागू होगा, जो बच्चे अगर हमारे आज 10,000 नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास हैं या मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास वहाँ पे हैं, वो एम्प्लॉयर अगर अपनी एस्टेब्लिशमेंट यहीं पे सेटअप करता है तो उसको कितना फ़ायदा है? उसको ये फ़ायदा है कि उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का उसका खर्चा कम हो गया, बच्चों को फ़ायदा है कि वो अपने घरों में काम करेंगे, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी यहाँ पे क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा तो बराबर है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब लोग आएंगे हमें कुछ देने आना उन्होंने। अब बातें आ रही हैं, अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये अस्पतालों की चेन है, उसने दे हैव डिजायर्ड के जम्मू कश्मीर में हम हॉस्पिटल बनाए। अगर वो वैसा हॉस्पिटल आता है तो हमारे 2-4 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसी तरह की बाकी चीज़ें, लेकिन वो आएंगे कब? जब हम कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनाएंगे, जब हम किसी को बोलेंगे आ तू हॉस्पिटल या फैक्ट्री तो लगा, लेकिन वो तेरे नाम पे नहीं होगी, वो क्यों आएगा? आप ध्यान से सोचिए कि 2-3-4 फैमिलीज को के ने तकरीबन यहाँ पर कश्मीर में होटल्स भी बनाए हैं, उन्होंने सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी लगाई हैं, उन्होंने ही सारा कुछ किया है, और उसके बाद वो बार बार अपने लोन्स को वो बढ़ाते जा रहे हैं। कोई ऐसा तो कोई बड़ी फैक्ट्री बाहर से तो आके लगी नहीं, क्यों नहीं लगी? कि हम उसको एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे थे, उसको प्रॉपर कानून नहीं दे रहे थे। तो ये इस करके, इसमें कोई ज़रा सी भी घबराने, आप वेलकम कीजिए डेवलपमेंट को। जिस दिन तक आप डेवलपमेंट को वेलकम नहीं करेंगे, जिस दिन तक आप जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किसी भी काम के चल नहीं रहे हैं, जब तक हम उसको कम्पीट करने के लिए उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम उस लेवल की सर्विस नहीं दे सकेंगे, और जब हमारी सर्विस उस स्टैंडर्ड की नहीं होगी, हम वर्ल्ड में कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो हमने अपनी स्किल को उसके मुताबिक लेके जाना, तभी हम वर्ल्ड में कम्पीट करेंगे। हमने वर्ल्ड सिटीजन बनना है, हमने केवल जम्मू के या किश्तवाड़ के या कोई राजौरी के या नुब्रा के या एक जगह के नागरिक बन के नहीं रह जाना, हमने अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व तक लेके जाना है। उसके लिए हमें वर्ल्ड लेवल की स्किल्स डेवलप करनी है, वर्ल्ड लेवल की इंटरेक्शन शुरू करनी है। एक और रिजर्वेशन जो जम्मू के लोगों को है वो ये है कि बाहर से जब कंपनीज आएंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएंगी, तो उससे जो इंडिजीनस ट्रेड है, जो जम्मू कश्मीर का ट्रेड है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिजीनस ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको आपकी स्टेट के अंदर उसको मार्केट करने के एवेन्यूज मिलेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। आज आपका बसोली पश्मीना, उसके टेकर्स कितने हैं? आज आपका जो कश्मीर पश्मीना है या बाकी हैंडीक्राफ्ट्स है, 2-3-4 फैमिलीज वहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। अगर मैं मतलब वो बड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा अगर मैं उसको कहूँ, बाकी जो आर्टिज़न है वो बेचारा बड़े थोड़े से पैसे कमा रहा है। वो इस करके कि वो कहते हैं जी हमारे बाहर जी चेन्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारा ये है, तो जो बना रहा है हमें दे दे। जिस दिन उस लेवल की कंपनियाँ आकर के वहाँ बैठ गई, आर्टिजन्स को इतना फ़ायदा होगा, उनकी प्रोडक्ट की डिमांड, उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, उनको क्या क्या मिलने वाला है, ये तो अभी इमेजिनेशन से परे है।
ये जो सारा कानून है मैंने भी उसको पढ़ने की कोशिश की है, स्टडी करने की कोशिश की है, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी अमेंडमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं फॉर द बेटरमेंट, उसका भी उसमें स्कोप है। तो इस करके कुछ लोग गलत अवधारणा बना करके, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म करूंगा, कल परसों अखबार में आ गया जी ये तो 8 ही जिले रह जाएंगे, एक मिसलीडिंग न्यूज़। ये उस तरह का जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला की कंपनी फॉर्मेट है, उन्होंने देकर के लोगों को ख़राब करने की कोशिश की। आपने देख ही लिया जम्मू में दफ़ा 144 भी नहीं है, लोगों ने अपना नमाज भी ठीक पढ़ी है, ईद भी मनाई जा रही है, आज 11-12 दो दिन ही ईद का टाइम है, सब लाइफ नॉर्मल चल रही है। क्या यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते, क्या यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं रहते, क्या यहाँ पे सिख नहीं रहते? अब मेरे वाल्मीकि भाई, आप जैसे बच्ची बच्चियां हैं पीएचडी करके अभी तक वो सिर्फ एलिजिबल थे सिर्फ स्वीपर की नौकरी करने के लिए, कितनी शर्म की बात। एक बच्ची का वीडियो जो है वो पूरा वायरल हुआ है, जो बेचारी इतनी पढ़, क्यों वो स्टेट में एलिजिबल ही नहीं है, विद जस्ट दैट क्लिक ऑफ ए बटन नाउ शी इज एलिजिबल टू बी प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी। आप सोचिए वो 1957 में आप उनको इनवाइट करके अपनी स्टेट में लेकर के आए, बड़े वादे किए गए, इनवाइट करके उनको लेकर के आए कि आप आइए हमारे प्रदेश में काम कीजिए, हमारे प्रदेश के को साफ रखिए स्वच्छ रखिए, और उसके बाद उनके साथ ये दुत्कारने वाला व्यवहार, बहुत शर्म की बात है। मोदी जी ने इसको ठीक किया है, हम बहुत आभारी हैं और सारा समाज इसका बहुत आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो आपने सुना, इन्होंने वो सभी कारण बताए जिसकी वजह से केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, और उसका इम्पैक्ट अब जम्मू कश्मीर पे क्या होगा वो भी इन्होंने बताया। फिर ऐसी ही किसी हस्ती के साथ हाजिर होंगे, पल्लवी सरीन को दीजिए इजाज़त।